हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं फूड पैराडाइज मीनू। आज मैं लेके आई हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आम की लौंजी भी बोलते हैं, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, जल्दी बन भी जाती है और बच्चों के टिफिन के लिए बहुत अच्छी है। और आप इसको बना के स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, 10-15 दिन आराम से चलेगी। तो चलिए देख लेते हैं मैंने ये कैसे बनाएंगे। और कच्चे आम की लौंजी बनाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने 2 बड़े आम ले लिए हैं, कच्चे काट लिया है इसको मैंने लंबी लंबी फांकों में। और यहाँ मैंने गुड़ ले लिया है, थोड़ी सी हींग ले ली है, थोड़ा जीरा है, थोड़ा मेथी दाना है, थोड़ी सी कलौंजी है और सौंफ है। और तड़के के लिए हम ऑयल ले लेंगे या रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है तो सौंफ डालेंगे। सबसे पहले सौंफ थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है, सौंफ का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है। जीरा डालेंगे, कलौंजी डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे और हींग डाल देंगे। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें कच्चे आम डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे इसको। मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मेथी कलौंजी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। 2-3 मिनट के लिए मसाले भून लिए मैंने। अब इसमें मिर्च डालेंगे, देगी मिर्च, थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालिए। थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आंधी को भून लिया मैंने 2-4 मिनट। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, आम भी गलने लगी है, जल्दी गल जाती है ये। अब इसमें गुड़ डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब गुड़ डाल दिया मैंने इसमें, जितना मीठा आप खाते हो उस हिसाब से आप गुड़ डालिए इसमें। अब गुड़ पिघलने लगा है, अब इसको हम कवर कर देंगे 3-4 मिनट के लिए। लौंजी बन के तैयार हो जाएगी हमारी। लौंजी चेक कर लेते हैं, तो बन चुकी है, रेडी हो गई हमारी खट्टी मीठी आम की चटनी। गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए ये बन चुकी, बिल्कुल गल गई है ये, आप इसको ऐसे करके देख सकते हो। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। ये हमारी आम की चटनी खट्टी मीठी बनके रेडी है, और आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो। 10-15 दिन आराम से चलेगी आपकी, खराब नहीं हो सकती है ये, और आप डेली यूज कर सकते हो इसे, बच्चों को भी दे सकते हो। खाने में भी टेस्टी होती है और जल्दी बन भी जाती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।